रायगढ़ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान 23 प्रकरण सामने आए, जिसमें से 16 प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया और 7 प्रकरणों को निगरानी और जांच के लिए रखा गया। इस मौके पर डॉक्टर नायक ने कहा कि महिलाओं को तुरंत न्याय मिले, इस दिशा में आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जनसुनवाई की जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह हो, मतलब उनके साथ तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो भी चाहती कि रिजाइन, मतलब ये जो भी है मैं रिजाइन दे दूँ करके, तो इसीलिए रिजाइन तो नहीं दूंगी। वो चाहती है जो भी है उनका, मतलब जो भी ये है उनको मैं सक्सेस नहीं होने दूंगी। और बच्ची को जो भी मारपीट हुई है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी ये है कि उनको सजा मिले। हाँ, पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो सबको ही मारती है, सबको ही मारती है। 23 मामले थे पूरे, जिसमें 16 मामलों में प्रकरण नस्तीबद्ध हो गया, कईयों में समझौता हो चुका था, कईयों में पुलिस ने FIR कर ली थी और कईयों में पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी, इसलिए वो मामले नस्तीबद्ध हुए हैं। कुछ समझौते से भी नस्तीबद्ध हुए हैं। 7 मामलों में कार्रवाई के लिए भेजा गया है।